Franco. याद को जानते हो? उस मर्द मुजाहद को कौन नहीं जानता? वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? ये मैं नहीं बता सकता। अगर तुम जायद का पता बता दोगे तो तुम्हें इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। मुसलमान मर तो सकता है लेकिन खरीदा नहीं जा सकता। वो कौम के लिए कुर्बान तो हो सकता है लेकिन इस उम्र में गद्दारी का सबक नहीं भर सकता। बकवास बंद कर बुड्ढे, मैं तेरी समान गुद्दी से खींच लूंगा। मौत से डराता है अहमद? मुसलमान तो मौत को घर की लोनी समझते हैं। मुंह क्या देखते हो? खत्म कर दो इस मर्दूद मुसलमान को। बहनों और भाइयों, जालिम रोमन हमारी मुकद्दस सरजमीन पर कब्जा जमा कर हमें अपना गुलाम बना लेना चाहते हैं। अगर वो हम पर फतायाब हो गए तो हमारी मस्जिदों को घोड़ों के अस्तबल बना देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हम अपनी इबादत गाहों की खातर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। बहादुर नौजवानों, वतन की हिफाजत, कौम की इज्जत और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने सरों पे कफन बांधकर दुश्मनों से मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। मगर ये भी तो सोचिए ना, हमारे पास असलाह है ना फौज, हम मुट्ठी भर मुसलमान रोमन फौज का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जंग हथियारों के अंबार और आदमियों की कसरत से नहीं जीती जाती। फतेह हासिल करने के लिए जज्बे और हिम्मत की जरूरत होती है। तुम में हिम्मत भी है, जज्बा भी। मत भूलो कि काफिरों से मुकाबला करना जहाद है। हम वादा करते हैं कि उन काफिरों के कदम अपनी सरजमीन पर कभी नहीं जमने देंगे। मेरे कान तुम्हारी जुबान से यही इकरार सुनना चाहते थे। जालिम रोमनों के खिलाफ मर्द मुजाहिद जात ने तलवार उठाई है। भाइयों, तुम भी उस वतन परस्त का साथ दो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देख लिया बगावत का अंजाम? पढ़ो और इन जलील मुसलमानों पर जो इस बूढ़े की तकरीर सुनकर नारे लगा रहे थे, इतने कोड़े बरसाओ कि इसका पढ़ाया हुआ सबक भूल जाए। कुछ पता चला जियाद का? वो लड़ाई में काफी जख्मी हो चुका है और जान बचाकर इसी तरफ आया। तो फिर वो कहीं दूर नहीं गया होगा। आओ मेरे साथ। क्या कहाँ है? अपने खुदा की पनाह में। हमें तुम्हारे खुदा की पनाह की जरूरत नहीं, बागी ज्याद का कर चाहिए। कमांडर, बागी कहकर उसके वकार पर कीचड़ मत उछालो। और जो उस वक्त जब ये बगावत इंकलाब बन जाएगी, तुम और तुम्हारी शहजादी मुजरिम बने इंसाफ की चौखट पर अपने तेजी सजा भुगतोगे। बात की तेजी हिम्मत की कमी और हौसले की खामी होती है। तुम्हारे खुदा और मजहब को तो जलावतन कर दिया, अब मुट्ठी भर मुसलमान और इनकलाब। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अम्मी, मेरा बेटा अब्बू। क्या अब्बू को? कहाँ है तेरा बाप? मुझे नहीं पता। नहीं पता? अगर अपने बच्चे की जिंदगी चाहती है तो फौरन उस गद्दार का पता बता दे, वरना पछताना पड़ेगा। मैं अपनी औलाद को कुर्बान तो कर सकती हूँ लेकिन अपने सरताज का पता बताकर बेबी की वफादारी के गले पर छुरी नहीं फेर सकती। ये बात है। कहाँ है? मुझे नहीं मालूम।
कहां छुपा बैठा था? जानता नहीं कि हमारी तेज निगाहें जमीन की तय में भी बागी को तलाश कर लेती। जवाब दे कि तूने बगावत किया क्यों भड़का रखी है? मुझसे पूछने के बजाय अपने दिल आज जालिम शहजादी से पूछो, इन बेहद सिपाहियों से पूछो जिन्होंने मेरी काम पर जुल्म सितम के बाल तोड़े हैं। हम तो क्या दरियाफ्त कर रहे हैं? इख्तदार की कुव्वत जब इंसाफ के बंधनों से आजाद हो जाती है और ताकत का नशा सर पर सवार हो जाता है तो इस बेदीन हुकूमत को बगावत के एक झटके की जरूरत होती है। और तुम जिसे आज बगावत का नाम दे रहे हो वो कल का इंकलाब होगा। इंकलाब जर्रा तूफान से टक्कर लेना चाहता। मुसलमान अपनी बाजी हार चुके, तुम्हारे मजहब का ढलता हुआ सूरज अब रोमन कौम के चढ़ते हुए आफ्ताब के सामने नहीं ठहर सकता। तुम और तुम्हारी कौम इस्लाम के खोखले वकार को तब तक कायम रखेगी। बचते हो, तारीख आज भी गवाह है, इससे पहले भी कई बार तुम जैसे बेदीनों ने हमें मिटाने की कोशिश की लेकिन खुद मिट गए। इस्लाम जिंदा रहा और जिंदा रहेगा। हमारे माथे पर जब शिकन आती है तो जमीन की तनावें तन जाती हैं और जब हम तलवार म्यान से बाहर निकालते हैं तो आसमान चढ़कने लगता है और बागी का सर हमारे कदमों में। मौत और हयात का फासला एक मुसलमान के नजदीक एक कदम से ज्यादा हैसियत नहीं रखता, लेकिन ये याद रखो वो वक्त भी दूर नहीं जब तुम्हारे खरूर का सर नीचा करके तुम्हारे महलों की ईंट से ईंट बजा दी। वो वक्त आने से पहले हम तुम्हारे और तुम्हारी कौम के पैसे उड़ा देंगे। खालिद, शहीद की मौत कौम की हयात होती है। मेरे मरने से पहले एक वादा करो, जो इनकलाब की आग तुमने भड़काई है तुम उसे बुझने नहीं दोगे, वरना कयामत के रोज तुम्हारा गिरेबान और मेरा हाथ होगा। मैं वादा करता हूँ खालिद। भाई साहब, कमांडर, तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा भी जोड़ लूंगा। Thank you.
किसी हैं ये बेड़े? मेरी हजूर। जाने दो इन्हें। अफसोस है भाभी कि मैं भाई के खून का बदला न ले सका। तुम बदला ले भी कैसे सकते थे, तुम्हें तो तलवार चलानी भी नहीं आती। इसी बात ने तो मुझे बेबस कर दिया है भाभी, और मैं कमांडर मेरे हाथ से बचकर कैसे जा सकता। काश तुमने ये पन सीख लिया होता तो आज तुम्हें ये हाथ मरना और मुझे आपको बहाने न पड़ते। मैंने प्रिया से वादा किया है भाभी कि आजादी की जो शमा उन्होंने रोशन की है कभी बुझने नहीं दूंगा। मुझे बाबा के पास ले चलो। चलो बाबा। बाबा, रामनों ने मेरे बच्चे को मार डाला और मेरा सुहाग भी लूट लिया। बाबा, मुझे सब मालूम हो चुका है। बहादुर शोहर की बीवी को आंसू बहाना जेब नहीं देता। मेरे रगों में आपका खून दौड़ रहा है, मैं जुल्म का इंतकाम जरूर लूंगी। और मैं भी इसलिए आया हूँ बाबा कि आप मुझे तलवारबाजी सिखा दें ताकि मैं वतन और कौम की हिफाजत कर सकूं और अपने भाई के खून का बदला भी ले लूं। घबराओ नहीं खालिद, मैं तुम्हें फने सिपागरी में ऐसा माहिर बना दूंगा कि आने वाली नस्लें तुम पर नाश करेंगे। हेलो, कौन? क्या तुम ही वो अनाड़ी नौजवान जो यहां तलवार सीख रहे हैं? हाँ। क्यों सीखने आए हो, किस लिए सीखने आए हो? अपने मकतूल भाई का बदला लेने के लिए। कौन है वो नाहंजार जिसने तुम्हारे भाई को कत्ल किया? मुझे बताओ, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके उसका जुगराफिया बदलूंगा। उस जालिम का नाम कमांडर दानियाल है। कमांडर कौन है ये? इसका नाम बहादुर है मगर नहायत बुजदिल और डरपोक है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि बरसों में अखाड़े में तलवार चलाना सीख रहे हैं मगर आज तक कब्जे पर हाथ रखना नहीं आया। क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये बात है तो मेरे साथ मुकाबला करो। तलवार के नहीं, मुंह जबानी मुकाबला करो। तलवार देखते ही डर गए। जिस्म इतना मोटा और दिल इतना छोटा, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अच्छा, तुम हर रोज मुझे डूबने की धमकियां देते हो। आज मैं डूबने जा रहा हूं, खबरदार मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। दुआ करना मेरे हक में। पानी तो बहुत गहरा है, मैं तो गिरते ही डूब जाऊंगा और डूबते ही मर जाऊंगा और मरते ही मुझे मछलियां खा जाएंगी। बहरहाल मैंने मरना जरूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या मौला मेरी मदद फरमाना। खुदकुशी करना बुजदिली है बेटा। खामोश फुकरे, मेरे लिए जीना बुजदिली है। हट जाओ। मरना बहादुरी जरूर है बेटा, लेकिन उस वक्त जब मुल्क और कौम के लिए जान दी जाए, जब किसी मजलूम की हमायत में शहादत पाई जाए। मुझे तुमसे हमदर्दी है। आप हम दर्द दवा खाने से आए बाबा जी? बाबा जी, यही तो मुझ में कमी है। मैं गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ, बोझ उठा सकता हूँ, मोहब्बत कर सकता हूँ, लेकिन तलवार चलाना मेरे बस की बात नहीं बाबा जी। मैं समझ गया बेटा। शाबाश, अब तुम पने सिपागरी में बाहर हो गए हो। अरे बहादुर, फिर आगे तुम तो डूब मरने के लिए गए थे। खामोश, अब मैंने फौत होने का इरादा तर्क कर दिया है। वो क्यों? मैं तुम्हें अभी तमाशा दिखाता हूं।
चलो, ये क्या बदतमीजी है, बंद करो। तकदीर ने तुझे बचा लिया, लेकिन आइंदा मेरा निशाना तेरी मौत साबित होगा। गिरफ्तार कर लो इसे। उठा उसकी लाश यहां से। मुकद्दस पेशवा का हुक्म है कि बड़ी मस्जिद को मिसमार करके शहजादी का शबिस्तान महल तामीर किया जाए। इस काम के लिए मजदूरों की जरूरत है। ये काम करने के लिए तुम सब लोग हमारे साथ चलो। हुक्म सुन लिया? सब लोग हमारे साथ चलो। हम में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। हम मस्जिद को खुदा का घर समझते हैं, उसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें दे सकते हैं, गिरा नहीं सकते। होश में आकर जवाब दो, क्या नहीं जानते हमारे हुक्म से इनकार तुम्हारी मौत है? हमें मौत मंजूर है, लेकिन मस्जिद की बेअदबी मंजूर नहीं। सिपाहियों बढ़ो, इन्हें ऐसी सजा दो कि इन हकीर मुसलमानों में इनकार करने की हिम्मत बाकी न रहे। देख रहे हो भैया, ये रोमन कौम के जलील कुत्ते मुसलमानों पर किस तरह जुल्म ढा रहे हैं। तुम अपनी तलवार निकालो और मैं अपना औजार निकालता हूँ। तुम्हारी डुगडुगी की जरूरत नहीं, मैं इन्हें ऐसा तिगनी का नाश नहीं चाहूंगा कि हमेशा याद रखें। कौन हो तुम? एक मुसलमान क्यों अपनी जिंदगी को मौत की तरह देता है? मुसलमान मौत को जिंदगी की मेराज समझता है। रोमन हुकूमत के फरमान से इनकार बगावत है। तो पहचान लो कि मैं बागी हूँ। हम बागी का सर कुचल लेते हैं। मैं उन कदमों को काट देता हूँ जो जुल्म के लिए बढ़ते हैं। नाचीज मुसलमान अपनी जबान बंद कर। रोमन कौम के जलील कुत्ते अपनी जिंदगी की खैर बना। और तेरा कभी ने मेरा आधार फेंक दिया। वो जा, वो जा रहा है। Oh, my God.
महल की तामीर के लिए मुसलमानों को पकड़ कर ला नहीं सके। जी हाँ, हम तो उनका बच्चा बच्चा पकड़ कर ले आते मगर ला न सके। क्यों? खालिद नामी एक नौजवान ने उन्हें आने से रोक दिया और हम पर हमला कर दिया और तुम्हें मार मार कर भगा दिया। मुसलमान कौम की ये हिम्मत कि वो रोमन सिपाहियों पर हमला करे? बताओ उनकी तादाद क्या थी? सिर्फ दो। तुम्हें सर मानी जाएगी। इससे बेहतर तो ये होता कि तुम अपनी मनोर सूर से लेकर कहीं से मरते निकल जाओ यहां से। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। खालिद, खालिद, ये नया फितना कौन है? कहो कासिम, अच्छे तो हो? तुम सुनाओ खालिद, कहाँ रहे इतने दिन? हम जरा हाथ साफ कर रहे थे। अच्छा, कोई कमरा खाली है? वही कमरा खाली है जिसमें तुम अक्सर ठहरा करते थे। बस बन गया काम। अब कुछ खाने पीने के भी सोचो, पेट में तो चूहे तलवारबाजी कर रहे। आप बैठे, मैं खाने भिजवा देता हूँ। बन गया काम। अब्दुल, अब्दुल, दो खाने लाओ। खाना अभी तक नहीं आया, बहुत जोर से भूख लग रही। आ जाएगा, उतनी देर तक तो पेट में जलजला आ जाएगा। सराय के मालिक तुम हो? जी हाँ। रात गुजारने के लिए कोई कमरा खाली मिल सकता है? सब कुछ मिल सकता है लेकिन कमरा नहीं मिल सकता। वो क्यों? इसलिए कि कमरा कोई खाली नहीं, एक था वो अभी अभी उन्होंने ले लिया है। क्या होगा, रात को वापस जाना खतरे से खाली नहीं। ओहो, तो आप यहाँ भी मौजूद हैं बहादुर नौजवान? बस हो गया काम, बहादुर ये नहीं, बहादुर मैं हूँ। वो तो हम देख चुके हैं, बड़े तलवारबाज हैं आप। जी हाँ, कारसाज भी हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। तुम चुप रहो, तशरीफ रखिए जी। चलिए रखिए। वैसे ये कमाल की बात है कि लिबास मर्दाना और आवाज देना ना। कुछ खाइए। नहीं नहीं, कम पड़ जाएगा। हमें भूख नहीं है बाबा, आप खाइए। वो तो हम खा ही रहे। कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ, अगर आप दरबार में जाके अपने फन का कमाल दिखाएं, तो रोमन फौज के अफसर बन सकते हैं। मेरे अजनबी दोस्त, मुझे दुनिया में दो चीजों से सख्त नफरत है, एक तो जालिम शहजादी और दूसरी नौकरी। बस बन गया काम, एक तो जालिम और फिर उसकी गुलामी। लानत भेजो जी। बड़े बागियाना ख्यालात हैं आप दोनों के। हकीकत बयान करना अगर बगावत है तो मैं बागी। हम इस बहस में नहीं उलझना चाहते, इस वक्त तो रात गुजारने का मसला है। चलो चलकर किसी और सराय में कमरा तलाश करें। कहाँ जाओगे इतनी रात में? आज रात मेरे साथ ही गुजार लो। आपके साथ? और रात कोई आ जाए? नहीं नहीं, मेरा मतलब था आपको तकलीफ होगी। कोई बात नहीं, मेहमान नवाजी हमारा फर्ज है। आइए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। आइए आप बैठिए। आइए मैं आपको अस्तबल दिखाता हूँ, क्योंकि घोड़ों की खुराक का इंतजाम करना है। आ जाइए।
चलो अंदर। अरे अरे, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? तुम ऐसे घबरा गए जैसे बड़े नाजुक हाथ हैं तुम्हारे, बिल्कुल लड़कियों जैसे। छोड़ो मेरा हाथ, तुम तो हर बात का अफसाना बना देते हो। अच्छा सोने की कोशिश करो, मैं भी काफी थक चुका हूं। चलो। अरे मैं नहीं उतारूंगा, मुझे कपड़े समेत सोने की आदत है। अजीब शय हो, तुम्हारी हर आदत निराली है। तुम भी तो निराले हो जो औरतों से नफरत करते हो। मुझे औरत से नहीं, सिर्फ शहजादी से नफरत है। तुमने कभी शहजादी को देखा है? न देखा है और न देखने की तमन्ना है। वो अगर तुम्हारे सामने आ गई तो मैं उसे धक्का दे के सामने से हटा दूंगा। मालूम होता है, देखते नहीं कमरे के अंदर मर्द गया था और औरत बन गई है। अगर कहीं खुदा ना खासा तुम औरत बन गए तो फिर तुम्हें कौन संभालेगा? अरे गधे, तू नहीं समझता, चल यहां से। मैं नहीं समझता और तुम बिल्कुल समझ गए। कहीं वो भी इस एन के साथ रहन तो नहीं? तो काम ही ठीक हो गया, तुम इसे संभालो, मैं उसे संभालता हूं। कौन हो तुम? मैं मर्द। मर्द लगते तो नहीं। चलो खैर, ये लीजिए ये आपके कुछ मर्दाना पुर्जा जात। बन गया काम, ठीक ही हो गया। आ जाइए, अब मैं आपको ऊपर कुछ चल के दिखाऊं। आ जाइए। चलिए। वो दूसरा तुम्हारे साथ कौन है? जो मैं हूं वही वो है। मतलब है वो भी? हाँ। अच्छा मैं जाकर उसे भेजता हूँ, तुम दोनों अंदर सो रहे ना और हम दोनों बाहर। आपको ये मेहमान नवाजी बड़ी महंगी पड़ी है, मेजबान बाहर और मेहमान अंदर। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है। अरे तू किधर? तुम नहीं समझोगे, ये राज की बात है। किधर? इधर नहीं, उधर। क्यों, इधर दलदल है? हाँ चल। कहा कब तक सोती रहोगी? उठो। भैया, खालिद भैया गजब हो गया है? सिर्फ फूल, यानी कि लड़कियां बमै घोड़ा जात गायब, वो तो बड़ी चोर थी। अरे चोर नहीं, डाकू को डाकू। डाकू? चलो चलो। ज़ियाद की शहादत ने हमें बेसहारा कर दिया है। ऐसा ना कहो बाबा, जिसका कोई ना हो उसका खुदा मददगार होता है। खुदा ने भी तो हमसे आंखें फेर ली है जमीला, जब ही तो रोमन हमारी कौम पर जुल्म सितम के पहाड़ गिरा रहे हैं। मायूस होने की जरूरत नहीं, शहीद की मौत कौम की हयात होती है। मैं तुम लोगों की हिफाजत की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगी। तुम एक औरत हो जमीला, औरत इस जुल्म से तुम का मुकाबला कैसे कर सकेगी? इस जुल्म का मुकाबला मैं करूंगा। तुम आ गए खालिद भैया। मेरे बाजुओं ने वो सलाहियत हासिल कर ली है। मगर इसके लिए तुम्हें आदमियों को जमा करना होगा,
अपनी जमात बनानी होगी। मुझे अकेला न समझो भाभी, तुम्हारी और इन सबकी दुआएं मेरे साथ। कहो क्या खबर लाए? मुकद्दस पेशवा, खालिद मुसलमानों की एक बड़ी जमात बना ली है। अपने साथियों की तादाद में इजाफा करने के साथ साथ असला भी जमा कर रहा है। सुन लिया कमांडर, इससे पहले के मुसलमान चिंगारी से शोला और शोले से भड़कती हुई आग बन जाए। आप फिक्र न करें मुकद्दस पेशवा, वो सर काट दिए जाएंगे जो रोमन हुकूमत के खिलाफ उठने की जुरत कर रहे हैं, और वो हाथ कलम कर दिए जाएंगे जो रोमन सल्तनत के जाओ जलाल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ मुसलमानों के ठिकाने का पता लगाओ, हम उनके तमाम मंसूबे हाथ में मिला देंगे। जाओ। बहुत अच्छा कमांडर। अपने कर्म फरमाओं से गुजारिश है कि शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी लिमिटेड के वीडियो कैसेट खरीदते वक्त ब्राउन टेप गार्ड पर एस आर। बहादुर तुम यही ठहरो, मैं सराय में खाकान को देख कर आता हूँ। हाँ भैया, तुम अकेले जाओ क्योंकि खाकान से मेरे ताल्लुकात ठीक नहीं। आखिर तुम नए नए भेद क्यों बदला करती हो? इसलिए कि किसी की निगाहें पहचान ना सके। और अगर किसी ने पहचान लिया तो? और हाँ, उस दिन तुम बगैर मिले क्यों चली गई? तुम सो रहे थे, जगाना मुनासिब ना समझे। और कमाल है, हमारे घोड़े भी साथ ले गए, ये भी ना सोचा कि हमें पैदल सफर करना पड़ेगा। वो मेरी नहीं, मेरी साथी की शरारत थी। और आज तुम अकेली यहाँ क्या करने आई? पता लगा ले। किसका? वो देखो कितना खूबसूरत फूल है। तुम्हें फूल बहुत पसंद है? खूबसूरत चीज किसको नहीं पसंद होती। अच्छा तुम ठहरो, मैं अभी तोड़ कर लाता हूँ। मैंने भाई का बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठा ली है तो फिर तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालने की क्या जरूरत है? तुम जिसे खतरा कह रहे हो वही तो इस शोहर पर अंधेरे का फर्ज है। मगर भाभी, तुम मेरे छीनने लगी भी आपको दबाने की कोशिश ना करो। खालिद जाने ने मेरे सुहाग को झाड़ दिया है, मैं उसके इंतकाम जरूर लूंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम पर किए हुए हर जुल्म का मुकाबला करूंगा। तुम्हारे और मेरे फर्ज में फर्क है, तुम अपने भाई के किए हुए अहद को पूरा करो और मुझे मेरे सुहाग का इंतकाम देने दो। तावील भी हो सकती है जो इस गफलत का जवाब पेश कर सके। मैं आपका मतलब नहीं समझा मुकद्दस पेशवा। आए दिन के वाकयात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बागी खालिद हुकूमत के कामों में दखल अंदाजी कर रहा है। आखिर इस फितने को दबाया क्यों नहीं गया जिसकी बगावत रोमन कौम के लिए खतरा बन गई? मैंने तो इन बहादुरों की तलवारों पर भरोसा करके ये काम इनके सुपुर्द किया था। हमने कई बार उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर नाकामी हुई। तुम्हारे मुंह से नाकामी का लफ्ज सुनकर हमारी गर्दन शर्म के मारे झुक गई। नाकामी नाम है जिल्लत का, बेदस्तपाई का। रोमन काम का कोई सिपाही अपने आप को नाकाम और मजबूर तसव्वुर करे, ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। रोमन काम के बहादुरों, मगर तुम्हारी हिम्मत जवाब दे चुकी है और तुम्हारे हौसले पक्ष हो गए हैं तो उस हकीर मुसलमान को गिरफ्तार करने के लिए मुझे अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालनी ही पड़ेगी। कमांडर, अगर मुझे 500 सिपाही दिए जाएं, तो मैं खालिद और उसके साथियों को नेस्तो नबूद कर दूंगा। मैं ये काम सिर्फ 200 सिपाहियों को लेकर अंजाम दे सकता हूं।
और मुझे 100 सिपाही मिल जाएं, तो मैं खालिद को मौत के घाट उतार दूंगा। एक मुसलमान को गिरफ्तार करने के लिए इतने सिपाही मांगना रोमन अफसरों के लिए बुजदिली का सबूत है, बहादुर कमांडर के लिए भाई से शर्म है, रोमन कौम के लिए डूब मरने का मुकाम है। शहजादी साहिबा, आप सिर्फ शहजादी हैं, सिपाहियों की मुश्किल को आप नहीं समझती। मैं शहजादी होकर भी तुमसे ज्यादा बाखबर हूँ। जिस खालिद के सामने तुम्हारी हिम्मत और इनकी बहादुरी दम तोड़ चुकी है, उसे जंजीरों में जकड़कर मैं दरबार में पेश करूंगी। आप ये खतरनाक कदम उठाएंगी? शहजादी, तुम रोमन कौम की तकदीर हो और फिर एक औरत हो, ये काम तुम्हारा नहीं। औरत ने बड़े बड़े बहादुरों के सर अपने कदमों पर झुकाए और ठोकरों से कुचल दिए, मैं भी एक औरत हूँ। और यहाँ ये जुरत कैसे की? और यही सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हारा इन बागियों से क्या वास्ता है? ये मेरा जाती मामला है और ये मेरा अपना राज है। एक बार मर्दाना लिबास में मिली, दूसरी बार अरबी लिबास में, और आज एक रकासा के रूप में। सच सच बताओ, कौन हो तुम? औरत। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चला है कि तुम जरूर उस जालिम शहजादी की जासूसा हो जिसने हमारा जीना दोवर कर रखा है। रोमन शहजादी पर इल्जाम न लगा, हर हुक्मरान बागियों के साथ यही सलूक करता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश न करो, वो जालिम है, खूनी है और कासिरा है। ये बातें तुम मेरे सामने कर रहे हो, अगर रोमन शहजादी के रूबरू होते तो ऐसी गुफ्तगू हरगिज़ ना करते। भूलती हो, मैं एक रकासा के रूबरू नहीं बल्कि मक्कार रोमन शहजादी से गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसका सबूत? वो है। तो फिर देर किस बात की है? हुक्म दो अपने साथियों को कि वो मेरा सर उड़ा दें। हुक्म दे देता और तुम्हारा हश्र भी यही होता, काश तुम औरत ना होती। तुम्हारी तलवार की तो मैं पहली तारीफ कर चुकी और आज तुम्हारी तेज निगाहों की भी कायल हो गई। ले जाओ, इसका पूरी तरह ख्याल रखा जाए, कैदियों की तरह नहीं, मेहमानों की तरह। ले जाओ इन्हें। शहजादी हुजूर, खाना पीना वापस ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगी। खा लीजिए, ये हमारे सरदार का हुक्म। जाओ जाके सरदार से कह दो कि मैं नहीं खाऊंगी। तो क्या आज फाका करने का इरादा है? मैं तो कहता हूँ कि आपकी सेहत पहले ही बहुत कमजोर है, तो क्यों अपनी सेहत गिराने पे तुली हुई है? दखो मत और यहाँ से चले जाओ। शहजादी, ये रोमन महल नहीं जिस जगह आपका हुक्म चले, यहाँ सिर्फ खालिद भैया का हुक्म चलता है। जाते हो या दूर? देने के जोड़ने में जा रहा हूँ। शहजादी, तुमने अभी खाना नहीं खाया? मैं खाना नहीं खाऊंगी। इनकार न करो शहजादी, तुम हमारी मेहमान हो, खाना खा लो। तुम शहजादी से नफरत करते हो तो फिर उसे सजा क्यों नहीं देते? औरत को सजा न देना और उसकी हिफाजत करना हमारा ईमान है। खंजर से फायदा उठा लो, बागी को खत्म कर देना चाहिए, बागी को खत्म कर देना चाहिए। रुक क्यों गई शहजादी? बागी की पीठ तुम्हारे सामने और खंजर तुम्हारे हाथ में है, अपना फर्ज पूरा करो। काश मैं ऐसा कर सकती। हाँ
तुमने पूरी कौम की रवायत को खाक में मिला दिया। मेरी निगाह में तुम जैसे इंसान की सजा मौत है। खालिद, छोड़ दो इसको। तुम छोड़ दो शहजादी। इसकी खता माफ कर दो खालिद। मैं तुम्हें उस खुदा का वास्ता देती हूँ जिसकी तुम लोग इबादत करते हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हारे उसूलों की कायल हो गई। तुम लोग वाकई सच्चे हो। तुम्हारा मजहब सच्चा है और तुम्हारा खुदा सच्चा है। तुमने नेकी और बदी को पहचान लिया है, यही मेरी सबसे बड़ी फतह है। अभी थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है, तुम यहां से चले जाओ। सरदार, मौजूदगी का सबब तुमने शहजादी को क्यों छोड़ दिया? उसे सजा क्यों लगी? इसलिए कि सजा देने से माफ कर देना बहुत बड़ी बात होगी। हाथ आए हुए शिकार को छोड़कर तुमने हमारी उम्मीदों का पानी फेर दिया। भूल जाओ ऐसी उम्मीदों को जो किसी सहारे की मोहताज हो। अगर शहजादी हमारे कब्जे में होती तो हम रोमन कमांडर से अपनी तमाम शर्तें आसानी से मनवा लेते। औरत का सहारा लेकर अपने मुतालबात मनवाना मैं अपनी और मुसलमान कौम की तौहीन समझता हूँ। फतह हासिल करने के लिए ऐसी चालों से काम ले लो सियासत है। ये तुम समझते हो, मैं नहीं। मुसलमान को अपने खुदा पर यकीन रखना चाहिए। तुम्हारी मायूस निगाहें और झुका हुआ सर इस बात का सबूत है कि औरत दुनिया में बड़ी ताकत नहीं। मैं उसका सर आपके कदमों में जरूर पेश कर देती मगर वो बागी नहीं। जो रोमन हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता है, जो हमारे कानून की धज्जियां बखेर रहा है, जो रोमन कौम के दबदबे शान और वकार को अपने पैरों तले मसल रहा, वो बागी कैसे हो सकता है मुकद्दस पेशवा? रोमन हुकूमत का हर हुक्म कानून होता है शहजादी, और कानून तोड़ना जुर्म है। खालिद बागी है ना गद्दार, वो आजादी चाहता है, जीने का हक तलब करता है। उसकी आवाज का गला दबाना इंसाफ नहीं जुर्म है मुकद्दस पेशवा। हर मुजरिम इंसाफ को जुर्म ही कहता है। वो हुकूमत ही क्या जो मुजरिम को सजा न दे, और वो कानून ही क्या जो बागी को गिरफ्तार न करे? वो कानून ही क्या जो अंधे की लाठी बन जाए? वो इंसाफ ही क्या जो रहम का दामन छोड़ दे? इंसाफ अगर रहम की आंखें लगा ले शहजादी तो सारी दुनिया मुजरिमों से भर जाए। इंसाफ जब जुल्म का लिबास पहन लेता है तो बगावत का सैलाब आ जाता है, और फिर यही बगावत इंकलाब बन जाती है जो हाकमों को मुजरिम बनाकर कानून की जंजीरों में चकर देती है। कमांडर, रोमन कौम के मुस्तकबिल पर नजर डालो, कहीं ऐसा ना हो कि खालिद की बगावत भी इंकलाब बन जाए, और फिर हम तो और मुकद्दस पेशवा मुजरिमों के कटहरे में खड़े हुए अपनी किस्मतों के फैसले सुन रहे हो। ऐसा वक्त आने से पहले तुम्हारे पेशवा की आंखें बंद हो चुकी होंगी। शहजादी, तुम्हें जज्बात की रो में नहीं बहना चाहिए। दूरंदेशी इसी में है कि उस फितने को जो खालिद के साए में परवान चढ़ रहा है फना कर दिया जाए। शहजादी साहिबा, तुम यहां क्यों आए? आपकी नाराजगी दूर करने, मेरी दरबार की बातों को भूल जाइए। शहजादी, वो तो एक कमांडर के अल्फाज थे, मेरे नहीं। मैं तो आपकी खुशी को अपनी खुशी समझता हूँ, आपके इशारे पर अपनी जान भी दे सकता हूँ। आज तुम्हें इस वफादारी के इजहार की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि आप भी मेरी मोहब्बत को। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैं इस ख्वाब को हकीकत में बदल दूंगा। अगर आप मुझे अपना लें तो आप रोमन कौम की तकदीर बन जाएंगी। कमांडर, होश की बातें करो, अपने और मेरे फर्क को पहचानो। रात तक हाथ पहुंच गया तो ये ना समझो कि तुम आसमान का सितारा भी तोड़ लोगे। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर देखा जाएगा। जहाँ उसका हुस्न जादू का काम करता है
वहां उसकी नादानी हुकूमत का तख्ता क्यों लग सकती? हम आपका मतलब नहीं समझे, आपका इशारा किस तरफ है? हमारी हुक्मरान भी एक औरत थी, आज मुझे उसकी बातों में नादानी की झलक नजर आई। मुझे अंदेशा है कि कहीं शहजादी की नादानी रोमन कौम के जाहो जलाल को न भी डूबे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हम सब आपके इशारे पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। शहजादी तुम और इस वक्त इतनी रात गए? मुकद्दस पेशवा, इन आंखों ने आज वो मंजर देखा है, इन कानों ने आज वो बातें सुनी है कि जिनका वहम अगुमान भी ना था। बैठो बैठो, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या बात है? कमांडर के इरादे खतरनाक हैं। उसने फौज के अफसरों को अपना हम ख्याल बना लिया है, वो हुकूमत पर कब्जा कर लेना चाहता है। कमांडर की तलवार ने रोमन कौम की बुनियादें मजबूत की, उसकी वफादारी पर शक न करो शहजादी। आप भी जहर को अमृत न समझिए मुकद्दस पेशवा। हुकूमत का लालच इंसान को बेवफाई का सबक पढ़ा देता है। मैं सच कहती हूँ, आपकी और मेरी जान खतरे में है। घबराओ नहीं शहजादी, मैं कल ही तुम्हारे लिए एक ऐसे मुहाफिज का इंतजाम कर दूंगा जिसकी तलवार तुम्हारी हिफाजत करेगी और उनके इरादों पर पानी फेर देगी। अरे भैया, अरे भैया। जी भैया, आज की ताजा खबर। रोमन पेशवा ने यह ऐलान किया है कि शहजादी के लिए एक मुहाफिज की जरूरत है और उसके लिए तलवारबाजी का मुकाबला होगा। जो ये मुकाबला जीत जाएगा उसे मुहाफिज मुकर्रर किया जाएगा और शहजादी उसे अपने हाथ से इनाम भेजेगी। क्या ख्याल है जनाब का? बेकार ख्याल है जनाब का, मैं बागी हूं, इस मुकाबले में कैसे हिस्सा ले सकता हूं? मेरे बागी भैया, अगर तुम मुहाफिज मुकर्रर हो गए तो हम महल के सब राज मालूम कर सकते हैं और वक्त आने पर उनकी टिक्का बोटियां नोट सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? कल राजधानी का मुकाबला करने। पहले यहाँ कैलाश तो कर लो। इलाज ही तो करने जा रहा हूँ प्यारे। आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं? तलवारबाजी का मुकाबला यहीं पर है। आप और तलवारबाजी का मुकाबला? चलेगा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? चलो उधर नहीं इधर। Thank you.
अजनबी, कहो तुम्हारा क्या इरादा है? मुकाबले के लिए तैयार हो? जी हुजूर। तो ये लो तलवार। ये तुम कैसे लड़ रहे हो? अगर लड़ना है तो बहादुरों की जरूरत। मेरे उस्ताद जी ने ऐसे सिखाया था। अच्छा, चलो। कद्दत पेशवा, ये और तलवारबाज, इसकी तो एक बत्ती ही गुल है। मेरी यही खूबी है कि मैं सबको एक नजर से देखता हूं। हम तुम्हें हिफाजती दस्ते का अफसर और शहजादी का मुहाफिज़े खास मुकर्रर करते हैं। आप इंतखाब में गलती फरमा रहे हैं मुकद्दस पेशवा। अगर आपको मेरे माहिर फन होने में कोई शक है तो मुकाबला करके देख लीजिए। चींटी के भी पर निकल आए हैं। अब तुम इसका जवाब दो। जब चींटी के पर निकल आते हैं तो हाथी की मौत होती है कमांडर। हाँ, इन्हें शहजादी के हुजूर में ले जाओ। शहजादी साहिबा, मुकद्दस पेशवा ने इन्हें आपका मुहाफिज मुकर्रर किया है। ये बदतमीज तो शाही आदाब से भी वाकिफ नहीं। ये मेरी हिफाजत क्या करेगा? इसे तो खुद महाफिज की जरूरत है। जी हाँ, हम दोनों जरूरतमंद हैं। मेरा ख्याल है आप मेरी हिफाजत कीजिएगा, मैं आपकी काम बन जाएगा। बेवकूफ। जी, बेवकूफ। बेवकूफ ही सबसे बड़ा अकलमंद होता है। आपको ऐसे ऐसे जौहर दिखाऊंगा कि आप कशश कर उठेंगे। ये बड़े बहादुर हैं शहजादी साहिबा, ये औदा तलवार के जौहर दिखाकर हासिल किया है। किया होगा, ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। कहाँ शहजादी साहिबा? जहन्नम में। अच्छी जगह। चलो बारकत, तुम्हारी निगाह ने पहचान लिया है कि ये काना मुहाफिज खतरनाक भी और चालाक भी। अगर इसके कदम जम गए ये हमारे रास्ते का कांटा बन जाएगा। ऐसा वक्त आने से पहले उसे खत्म कर दिया जाएगा। बात का इंतजार करना नादानी है मारकत। जो कल करना है वो आज और इसी बात करो, और इस तरह करो कि हमारा दामन भी दागदार न हो। बहुत बेहतर, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी इंतजार में था। अरे
शुरू कर दिया है तो परेशान होने की कौन सी बात है। आप तो खालिद की बड़ी तारीफ करते हैं, उससे मदद ले लीजिए ना। वो मेरी यहाँ क्या मदद कर सकता है, दिल से दिल को राह होती है, वो जरूर कोई रास्ता निकाल लेगा, आप उसे जाकर मिलिए तो सही। अच्छा तुम कहती हो तो मैं कल रात खालिद से जाकर जरूर मिलूंगी। मैं आपके हुक्म के मुताबिक उसे गिरफ्तार कर लाया हूं। हमारे हुजूर पेश करो। आखिर खालिद की बगावत तुम्हें मुजरिम बनाकर हमारे हुजूर ले आई, कहां है वो बागी? ना वो बागी है और ना मैं मुजरिम, वो वही है जहां उसको होना चाहिए। कहां होना चाहिए? जहां वो था, अब भी है और मौजूद रहेगा। बकवास बंद कर लो जी, अगर जिंदगी अजीज है तो खालिद का पता बता दे। मैं मर सकती हूँ लेकिन उस मुजाहिद का पता बताकर कौन से गद्दारी नहीं कर सकती। ले जाओ उसे और ऐसी सजा दो कि इसकी जबान वो बोल उठे जो हम चाहते हैं। ले जाओ, ले जाओ। पानी इस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक बागी खालिद का पता नहीं बताओगी। तुम अपने जुर्म की इंतहा कर लो कमांडर, मेरी जबान वो नहीं बोलेगी जो तुम सुनना चाहते हो। मैं तुम्हारी जबान की राज बुला कर ही रहूंगा। सिपाही गन चला के लाओ और इस आग निकाल दो। जब किसी की बहन पर जुल्म किया जाता है तो आने वाले का नाम नहीं पूछते, जान जाया करते हैं। अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। जल्दी चलो हबीब।
मर गए थे। अच्छे महाफिज हो, दुश्मन बंजे चाक निकल गया। निकल कहाँ गया हुजूर? आपके सामने मौजूद है। क्या बात हो? मेरा मतलब है यही कहीं होगा, मैं अभी गिरफ्तार करता हूँ। तो जाओ, मेरे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। चश्मे बहादुर, आज आप बड़े खूबसूरत मालूम हो रहे हैं। जाओ। अच्छा हुजूर, कानो शहजादी, इतनी रात गए अकेली कहाँ जा रही हो? तुम्ही से मिलने जा रही थी खालिद। रहे नसीब, आज मेरी याद कैसे आ गई? मैं एक अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ। वो क्या? पहले तो कमांडर मेरी जान का दुश्मन था, और अब वो काना मुहाफिज भी अपनी मोहब्बत का ढोल पीटने लगा है। मुझे इन दोनों से सख्त नफरत है। मेरी मानो तो इन दोनों में से किसी एक की बन जाओ, किसा खत्म हो जाएगा। ये नामुमकिन है। मैं क्या चाहती हूँ ये तुम अच्छी तरह जानते हो। ताज्जुब है, रोमन कौम की होने वाली मलिका एक बागी मुसलमान को अपनाना चाहती है। देसी तो है। अगर ये बात है तो जाओ, कल मैं जरूर आऊंगा और उन दोनों लपड़झनों के मिजाज दुरुस्त कर दूंगा। लेकिन जरा होशियारी से, इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा है। मोहब्बत करने वाले खतरों से नहीं डरते। मुसलमान से जो हुकूमत का बागी और रोमन कौम का दुश्मन है। लेकिन तुम हमारे ख्वाबगाह में क्यों आए? साये की तरह आपके साथ रहना मेरा फर्ज है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप उस बागी से मिलने क्यों गई थी? नहीं, हम किसी से मिलने नहीं गए थे। मैं आंख का काना जरूर हूँ, लेकिन अकल का अंधा नहीं। उसी चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। हाँ, क्या मतलब? मैं सब कुछ देख और सुन चुका हूँ कि आप उस बागी से मिलकर मेरी और कमांडर की जान लेना चाहती हैं। नहीं नहीं। अगर ये बात मैं पेशवा को बता दूं, तो जानती हो रोमन कौम का कानून तुम्हें क्या सजा देगा? महाफिज, तुमने जो कुछ देखा और सुना उसे अपने सीने में दफन कर दो, हम तुम्हें दौलत से माला माल कर देंगे। ये जबान दौलत से नहीं, मोहब्बत के इकरार से बंद हो सकती है। वो चीज ना मांगो महाफिज जो हम तुम्हें दे नहीं सकते। मैं तुम्हें कल तक सोचने का मौका देता हूँ। अगर जवाब इनकार में हुआ तो खालिद की लाश तुम्हारे कदमों में होगी और कानून का फंदा तुम्हारे गले में। अब क्या होगा? शहजादी, खालिद तुम आ गए। इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। खुद ही तो बुलवाया था, अब चले जाने को कह रही हो, आखिर क्यों? उस काने को हमारी मुलाकात का पता चल गया है, उस कमबख्त ने हमारी सारी बातें सुन ली है। तो फिर वो तुम्हें गिरफ्तार करने बस आता ही होगा। घबराओ नहीं, मेरे होते हुए वो काना क्यामत तक नहीं आ सकता। मैं नहीं चाहती खालिद कि मेरी वजह से तुम्हारी जान चली जाए। वो तो कब की जा चुकी है। ये वक्त मजाक करने का नहीं है। क्या करने का है? मेरी बात मान लो, तुम चले जाओ। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। इधर से नहीं, उधर से। कहाँ गया वो बागी मुसलमान? अभी अभी मैंने उसकी आवाज सुनी थी, भाग गया उस दिन। यहाँ तो कोई भी नहीं आया महाफिज, तुम्हें शुबा हुआ है। ना मैं अंधा हूँ ना बहरा। ये देखो उसके कदमों के निशान बता रहे हैं कि वो इसी तरफ गया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं, इधर न जाओ। रोकना चाहती हो तो फिर मुझसे मोहब्बत का इकरार कर लो। ये नहीं हो सकता। तो फिर वो भी बचकर नहीं जा सकता। रुक जा बागी, अब तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता।
क्यों अपनी दूसरी आंख से भी हाथ धोना चाहता है? क्या बचता है? मैं तेरी गर्दन को पोंछ दूंगा। ये मुंह और मसूर की दाल। है अभी बाकी है अब अच्छा आपने याद फरमाया है मुझे ये क्या है क्षमा इसके सीने में क्या है आप रात के खामोश अफसाने और कुछ राज इसीलिए ये सुबह होते ही गुल कर दी जाती है तुमने भी एक राज जानने की कोशिश की है तुम्हारा अंजाम भी क्षमा जैसा हो सकता है अब तुम जा सकते हो अब तो खालिद के हाथ हमारे गरीबान तक पहुंच गए उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो हमारी कैद से अपनी भाभी को छुड़ा कर ले गया और तुम सबको देखते रह गए जमीला को बागी की हिम्मत नहीं पहरेदारों की गफलत में रिहा कराया मुकद्दस पेशवा रोमन फौज के सिपाही अगर यूं ही फुर्ती नहीं दिखाते रहे पहरेदार गफलत की नींद सोते रहे तो खालिद के कदम जिस तरह कैदखाने में दाखिल हुए हैं उसी तरह शाही महल में भी पहुंच जाएंगे जिन हाथों ने जमीला को रिहा कराया है वो शाही ताज भी छीन कर ले जाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा मैंने खालिद को गिरफ्तार करने की एक नई तरकीब सोच ली वो क्या नए मुहाफिज को खालिद की गिरफ्तारी के लिए मुकर्रर कर दिया जाए वो पहाड़ी रास्तों से भी वाकिफ है और अच्छा तलवारबाज भी मगर ये उसका काम नहीं वो तो सिर्फ महल का मुहाफिज है हुकूमत की बेहतरी इसी में है मुकद्दस पेशवा बागी को गिरफ्तार करके तख्तेदार पर चढ़ा दिया जाए ये गिरफ्तारी चाहे मैं करूं चाहे रोमन कौम का कोई सिपाही मुहाफिज को हाजिर किया जाए मुकद्दस पेशवा आपने मुझे किस लिए याद फरमाया बैठो मुहाफिज तुम बहादुर भी हो और माहिर फन भी इसलिए भाई खालिद को गिरफ्तार करने के लिए हम तुम्हें मुकर्रर करते हैं मैं सिर्फ शाही दस्ते का अफसर और शहजादी का मुहाफिज हूँ बागी को गिरफ्तार करना अपना काम नहीं ये हमारा हुक्म है और हम इनकार सुनने के आदी नहीं मैं इस हुक्म को ठोकर मारता हूँ दूसरी बार ये वार गहरा भी हो सकता है दूसरी बार मेरे जिस्म पर रोमन लिबास नहीं होगा और मेरे हाथ में जवाब देने के लिए तलवार भी होगी कमांडर मुकद्दस पेशवा इसके इनकार की वजह मैं बताता हूं कि ये काने महाफिज के फेस में खुद खालिद है ये साथ लो जे और कल सरे आप फांसी पर लटका दो ताकि इसकी मौत मुसलमान कौम के लिए बाय से इबरत हो चलो भाभी भाभी खत्म हो गया है भाभी क्या हुआ तुम इसे घबराए हुए क्यों हो बहादुर वो खालिद भैया गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सुबह सूरज निकलने से पहले उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया नहीं नहीं ऐसा ना कहो बहादुर ये कभी नहीं हो सकता मैं खालिद को मरने नहीं दूंगी यही तो मैं चाहता हूँ भाभी चलो हम अपने साथियों को खबर कर दें मगर अब तो वक्त बहुत कम रह गया तो फिर क्या किया जा सकता मैं खुद वहां जाऊंगी
नहीं भाभी, तुम्हारा अकेले वहां जाना खतरे से खाली नहीं। ये कैसे हो सकता है कि खालिद मौत की चौखट पर खड़ा हो? मैं उसको मरने नहीं दूंगी। मैं उसकी जान बचाने के लिए दुनिया की किसी खतरे की परवाह नहीं करूंगी। तो मेरे साथ चलो। चलो भाभी। शहजादी साहिबा, आप परेशान ना हो, मैंने खालिद की गिरफ्तारी की खबर उनके साथियों को दे दी है। वो आकर उन्हें जरूर बचा लेंगे। हम उनका इंतजार नहीं कर सकते, हमें भी कुछ करना होगा। बागी खालिद, हम मर्दुम चनाज भी हैं, तुम्हारी बहादुर अच्छाइयों की कदर करते हैं। तुम चाहो तो अपनी कीमत वसूल कर सकते हो। बहादुर पर बहादुरों की तरह वार करो कमांडर, लालच के ओछे हथियार इस्तेमाल न करो। तुम्हें और तुम्हारी कौम को आजादी मिल सकती है, बशर्ते कि तुम हमारी अताअत कबूल कर लो। तुमने मेरे जिस्म को तो कैद कर लिया है, लेकिन मेरा जज्बा वतन परस्ती और जमीर अब भी तुम्हारी कैद से आजाद है और आजाद रहेगा। अकल की रोशनी में अपनी गलत राय पर नजर सानी करो बागी, हमारी गुलामी ही तुम्हारे अहले वतन की जिंदगी है। खरश या खतरा समझकर इंतहाई तकलीफों से मुझे कत्ल कर दो, या फतह की यादगार समझकर जिंदा रखो। लालच से मغلوب होकर या तकलीफों से डरकर मैं अपने हम वतनों को गुलामी की जंजीरें नहीं पहनाऊंगा। तुम अपनी मौत के साथ साथ अपनी कौम को भी तबाह कर दोगे। तुम्हारी ऐसे उनकी बर्बादी साबित होगी। जमीन पर रेंगते हुए कीड़ों की तरह हरकत करने का नाम जिंदगी नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे अहले वतन जिए, लेकिन गुलाम बनकर नहीं, आका बनकर, कुत्ते की तरह नहीं, शेर की तरह। सिपाहियों, इसे जिंदा से बाहर निकालो और शिकंजे में जकड़ दो, ताकि सूरज निकलने से पहले इसकी जिंदगी का चिराग गुल हो जाए। तुम्हें ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। तुम्हें खतरे से निकालना मेरा फर्ज है। बन गया काम, बन गया, बन गया। भाभी तुम उधर जाओ, मैं इसके कपड़े उतार लूं। बहुत नाजुक है, तुम यहां से जल्दी से निकल जाओ। खालिद भैया, तुम लोग भी आ गए। कैसे ना आ गए, ये बात ही करने का वक्त नहीं है। तुम इन्हें लेके फौरन यहां से निकल जाओ। वो देखो कोई आ रहा है। हेलो, भाभी जरा हिम्मत से काम लो, यहां से निकल जाना ही बेहतर है। दरवाजा बंद कर दो और किसी को बाहर मत आने दो। अच्छा, तो ये शहजादी साहिबा थी जिसकी वजह से वो बागी आजाद हुआ। ले जाओ इन्हें और दरबार में पेश करो। हम पेशवा को लेकर आते हैं।
अपने मरने का गम नहीं खालिद, दुख इस बात का है कि मैं कमांडर को कत्ल करती अपने सरदार और अपने मासूम बच्चे के खून का बदला न ले सकी। गम न करो भाभी, मैं अभी जिंदा हूं, मैं कमांडर से गिन गिन के पूरा हिसाब चुकाऊंगा। कयामत के रोज गवाह है ना कि मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन लेकिन शायद कुदरत का मंजूर न था। कि शहजादी को हिरासत में ले लिया। शहजादी मुजरिम है मुकद्दस पेशवा, उसने बागी खालिद को फरार कराने में पूरी पूरी मदद की। शहजादी ऐसी गलती करे ये मैं तस्लीम नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखों से शहजादी को मदद करते देखा है। तुम्हें धोखा हुआ होगा। मुझे अपनी आंखों पर एतमाद है मुकद्दस पेशवा, इससे पहले कि शहजादी की नादानी हुकूमत का तख्ता उलट दे उसे जेर हिरासत रखना ही बेहतर। ये हमारी शान के खिलाफ। अगर ऐसा ना किया गया तो रोमन हुकूमत, आपकी इज्जत तो मेरा इख्तदार सब खाक में मिल जाएगा। वक्त की नजाकत का ख्याल करते हुए आप भी मेरे हम ख्याल बन जाइए, खुद हुकूमत संभाल लीजिए और मुझे शहजादी अता कर दीजिए। तुम मुझे हुकूमत का आलेख दे रहे हो? ये लालच नहीं, सियासत है, वक्त का तकाजा। मेरी रगों में नमक हरामी का जहर नहीं, वफादारी का खून दौड़ रहा है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारी नमक हरामी की सजा दूं, शहजादी को रिहा कर दो। आपकी धमकी मेरे इरादे को नहीं बदल सकती। मेरे रास्ते की दीवार बनने की कोशिश न कीजिए, वरना वरना क्या होगा, गिरा दी जाएगी। खालिद को फरार कराने में तुमने पूरी मदद की है, लेकिन उसने जाते जाते जो कारनामा अंजाम दिया वो मैं तुम्हें अभी ही खाता हूं। आओ मेरे साथ। मुकद्दस पेशवा, ये देखो तुम्हारा दूसरा जुर्म, तुमने बागी खालिद को फरार कराया और उसने जाते जाते मुकद्दस पेशवा को मौत के घाट उतार दिया। वो ऐसा नहीं कर सकता। ये जुर्म उसी ने किया है और इस जुर्म में तुम भी बराबर की शरीक हो। ये झूठ है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरी बन जाओ। मैं तुम्हारे इन दोनों जुर्मों पर पर्दा डाल सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा। हमारी जिंदगी के सिर्फ दो मकसद, हुकूमत और तुम। हुकूमत अब सिर्फ हमारे कहने पर चलेगी और तुम्हें भी उसी तरह करना होगा। ये नामुमकिन है। तो फिर कैसी बनकर जिंदगी गुजारनी होगी? ले जाओ इन्हें। चलिए। अनजान चाहे कुछ भी हो, मैं जालिम कमांडर की सूरत भी नहीं देखना चाहती। कमांडर की ताकत से मुकाबला करना नामुमकिन है। रिहाई हासिल करने के लिए यह सौदा महंगा नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपको ऐसा करना चाहिए। आजाद होकर आप खालिद को भी पा सकती हैं और हार से जाती हुई सल्तनत को भी। लेकिन इसकी क्या जमानत है कि तुम्हारी चाल जरूर कामयाब रहेगी? आप कमांडर की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये फर्जी नाटक और झूठा प्यार आपकी जीत और उसकी हार बन जाएगी। सच? सकता हूँ कि शहजादी साहिबा इतनी रात गए खुफिया दरवाजे की चाबी लिए कहाँ जा रही? नहीं नहीं, मैं तो
نہ میں اتنا بے وقوف ہوں اور نہ ہی میری گرفت اتنی کمزور ہے کہ عورت کا فریب اسے توڑ سکے. تم نے میری رحم دلی سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. اب ان نازک کلائیوں اور بھاگتے ہوئے قدموں کو زنجیروں کی ضرورت ہے. لے جاؤ انہیں اور خوابگاہ کی بجائے قید خانے میں ڈال دو. چلیے. کہو شہزادی، قید خانے کی تاریکی میں رہ کر انکار کا نشہ تو اتر گیا ہوگا. نہیں، آج جو تم چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا. تمہیں دولت، عزت، شان و شوکت، حکومت سب کچھ واپس مل سکتی ہے، بشرطے کہ تم میری بن جاؤ. میں ایسی شان و شوکت اور حکومت پر ٹھوکر مارتی ہوں جو تم جیسے غدار کی دی ہوئی بھیک میں ملی. تمہارے انکار نے میرے عطاب کو بیدار کر دیا ہے. کل میری تاج پوشی اور تمہیں ایک رقاصہ بن کر میری تاج پوشی کے جشن میں ناچنا ہوگا. اس سے تم پر یہ حقیقت بھی کھل جائے گی کہ رومن قوم میں اب تمہارا کوئی ساتھی نہ رہا. تمہارے یہ ظلم بھی مجھے تمہاری نہ بنا سکے گا. تمہارا دل اور تمہاری زبان خالد خالد پکارتی رہے گی مگر تم میری آغوش کی زینت بنو گی. تم استاد معظم کے پاس جا کر ہتھیاروں کا بندوبست کرو. تم گھوڑے تیار کرو اور تم جا کر بستی میں اعلان کر دو کہ کل ہم رومنوں پر حملہ کر رہے ہیں. آج تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ وقت کس کا ساتھ دے رہا ہے. اب بھی کچھ نہیں بگڑا شہزادی. یہ تخت و تاج، یہ شان و شوکت سب کچھ تمہیں مل سکتا ہے بشرطے کہ یہاں تمہاری غداری کی انتہا ہے، وہاں میرے صبر کی ابتدا ہے. مت بھولو کمانڈر کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. طاقتور حکمران وقت کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں. ہم پر حملہ کر دیا ہے کمانڈر. کاٹ دو ان قدموں کو جو رومن محل کی طرف بڑھ رہے ہیں. نیز تو نابود کر دو ان مسلمانوں کو جنہوں نے رومن حکومت کے خلاف یہ جرس کیا ہے. بہت اچھا کمانڈر. Commander!